नमस्कार, द रूस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं फिल्म काला की, यानी फिल्म काला का ये है रिव्यू। फिल्म काला बहुत धूमधाम से पूरे देश में रिलीज हो चुकी है, यानी 7 तारीख को फिल्म काला रिलीज हो गई। आज हम बात करने वाले हैं आखिर ये फिल्म में है क्या और इस फिल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा। रजनीकांत की फिल्म है, डेफिनेटली एंटरटेनिंग फिल्म है। इस फिल्म को हम 3.5 की रेटिंग देते हैं। ये फिल्म जो है पूरी की पूरी धारावी, यानी जो मुंबई में धारावी झुग्गी झोपड़ी है, वहीं पे बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन बहुत एक यंग टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जिनका नाम है पा रंजीत, जिन्होंने इनकी पिछली फिल्म जो कि कबाली थी, बहुत बड़ी हिट थी, उसको भी डायरेक्ट किया है। रंजीत ने जो यहाँ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। यहाँ पर हिंदू राजनीति का एक चेहरा भी दिखाने की कोशिश करी गई है। रजनीकांत को रावण बना के दिखाया गया है, एक ऐसा विलन जो कि लोगों के लिए अच्छाई करता है। यहाँ पे एक रावण के किरदार को ही इन्होंने उलट के दिखाया है। बहुत अच्छी सोच है, एक अच्छे स्क्रीन शॉट्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है इस फिल्म का। तिरुनेलवेली से आया हुआ इंसान जो कि धारावी पहुँचता है, धारावी का किंग बन जाता है, वहाँ पर यानी बम्बई में जो भी ताकतवर नेता थे, नेताओं के खिलाफ और भूमाफियाओं के खिलाफ ही अपनी जंग लड़ता है और ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ता है। ये पूरी जो कहानी है एक बहुत सिंपल कहानी है जो हमने कई सालों से सुनी है, देखी है, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है वो यही है कि यहाँ पर जिस तरह का प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह का निर्देशन किया गया है, जिस तरह के डायलॉग्स और म्यूजिक के साथ खेला गया है, वो डेफिनेटली आपको बहुत ही एक अच्छी फीलिंग देगा कि आप जब जाएंगे, जाके देख के जब बाहर निकलेंगे, फिल्म को एक एक संतुष्टि मिलती है देखने के बाद। इंटरवल से पहले फिल्म मसालेदार है, बहुत जैसे एक टिपिकल रजनीकांत की फिल्म होती है, खूब सारा मसाला इसमें है। इंटरवल के बाद का जो फिल्म है वो उसका अंदाजा आपको पहले ही लग जाता है। हरी दादा जो कि काला से बदला लेना चाहता है, वो काला का प्यार उनसे छीन लेता है। काला यहाँ पर अपना क्रोध जाहिर करते हैं, काला एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर के आते हैं और काला वहाँ के जो लोग हैं, जो भी झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं, उनको ये कहते हैं कि हमें धरना करना चाहिए, जब तक गरीब अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक गरीबों को इसी तरह से दबाया और कुचला जाएगा। काला उनको ये भी कहते हैं कि हम लोगों को धरने पे बैठना चाहिए क्योंकि जितने भी झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं यही मुंबई को चलाते हैं, यानी कि टैक्सी ड्राइवर और तमाम छोटे बड़े काम करने वाले, और जिसका एक रिजल्ट ऐसा आता है कि मुंबई अचानक से थम जाती है। बहुत ही खूबसूरत तरह से ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जो काफ़ी समय से रजनीकांत को हिंदी में नहीं सुना गया, तो इस फिल्म के ज़रिए आप रजनीकांत को हिंदी और मराठी में भी सुनेंगे, जो काफ़ी अरसों से एक लैकिंग था रजनीकांत के फैंस के लिए जो उत्तर भारत से आते हैं। फिल्म में इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं। रजनीकांत का स्टारडम है जो आपको एक बार खींच ही लेता है, यानी म्यूजिक, डायरेक्शन और रजनीकांत का स्टारडम, ये तीनों ही चीज़ें मिला के इस फिल्म को बेहतरीन फिल्म बनाते हैं। रजनीकांत और नाना पाटेकर को एक ही स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ पे आपका पैसा वसूल हो जाता है। बने रहे हमारे साथ रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वो तमाम खबरें मिलती रहे जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।